एनर्जी स्टोर होगा इस पर? होगा। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस अभी हमने निकाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो एनर्जी स्टोर्ड इज Q² बाय 2C, राइट। तो एक चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर पर इतनी एनर्जी होती है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है? क्वेश्चन हाँ, बोल दो, क्वेश्चन बोल दो। मतलब क्वेश्चन नहीं लिख पाया। क्या निकालना था इसमें? स्फेरिकल कंडक्टर है जिस पर यूनिफॉर्म चार्ज है, फाइंड आउट एनर्जी ऑफ दिस कंडक्टर, इस कंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो निकालना था, ठीक है ना? और एनर्जी होती है Q² बाय 2C। अब समझना एक और चीज, ये एक चार्ज्ड कंडक्टर है और ये दूसरा चार्ज्ड कंडक्टर, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अगर इनको आप किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो तो क्या होगा? इनके सरफेस पोटेंशियल अगर डिफरेंट रहे तो चार्ज का फ्लो होगा, राइट? मैंने बताया था कि अगर पोटेंशियल में डिफरेंस होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, राइट? तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में उन पर फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन, ठीक तो अगर पोटेंशियल में डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जमा होने लगेंगे, जिसके कारण ये पोटेंशियल डिफरेंस कम होते जाएगा, एंड फाइनली स्टेडी स्टेट पर क्या होगा? दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, राइट? तो फाइनली बोथ कंडक्टर्स हैव सेम पोटेंशियल। ठीक है, सो व्हेन टू चार्ज कंडक्टर्स आर कनेक्टेड थ्रू कंडक्टिंग वायर, देर इज शेयरिंग ऑफ चार्ज, एंड फाइनली बोथ द कंडक्टर्स हैव सेम पोटेंशियल, बोथ द कंडक्टर्स हैव सेम पोटेंशियल, ठीक है? अच्छा, एक और बात बताओ, इस प्रोसेस में जब कनेक्ट करोगे तो चार्ज का फ्लो होगा, तो इस प्रोसेस में कोई हीट जनरेट होगी या नहीं सिस्टम में? जब चार्ज का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी और वो मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन एटम से टकराएंगे आसपास, क्योंकि तो वहां पे बहुत भीड़ है एटम्स की, जब उनसे वो टकराएंगे तो एटम्स को अपनी एनर्जी दे देंगे और वो रैंडम मोशन करने लगेंगे, जिसके कारण थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी। दैट मीन्स जब भी चार्ज का फ्लो होगा सिस्टम में, वहां पे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, उसका कुछ लॉस होगा और वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? अब एक एग्जांपल लेते हैं। वी हैव टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस, एक की कैपेसिटी C है और दूसरे की कैपेसिटी है 2C, राइट? इनको इनिशियली हमने चार्ज दिया, एक को Q चार्ज दिया, राइट? और दूसरे को जो है, दैट इज ये, इसको हम 2Q चार्ज दे देते हैं और इसको Q दे, तो डेफिनेटली इनका पोटेंशियल डिफरेंट होगा सरफेस का। इसके बाद हम दोनों को कनेक्ट कर देते हैं आपस में, आपको बताना है कनेक्शन के बाद फाइनल चार्ज दोनों पे कितना होगा,
दूसरा दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो वो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, और तीसरा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, इस प्रोसेस में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी ये भी बताना है आप, ठीक है। अगर दोनों कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज का फ्लो होगा, ठीक है, तब तक होगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए, समझना लॉजिक। इनिशियल पोटेंशियल दोनों का लिखूंगा इसका 2q/c, q बाय सी होता है और इसका q/2c, तो ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल, तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हाई से लो की तरफ होता है, चार्ज इस तरफ फ्लो करेगा, एक बात तय है, पॉजिटिव चार्ज, एक्चुअल में कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, दैट मीन्स वो अपोजिट होना चाहिए, तो इस तरफ का चार्ज कम होने लगेगा और इस तरफ का चार्ज बढ़ने लगेगा, चार्ज बढ़ने से पोटेंशियल बढ़ेगा, इधर का पोटेंशियल कम होगा, फाइनली कुछ समय के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो देखो जब सेम पोटेंशियल हो गया उस वक्त मान लो कि इस दौरान क्यू चार्ज का फ्लो हुआ इधर से इधर, तो इस तरफ चार्ज आ जाएगा क्यू प्लस और इस तरफ 2q-, तो अब फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा दोनों का, सीधी सी बात है फाइनल पोटेंशियल दोनों के सेम होना चाहिए, इसका चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस कितना है इसका C, और इसका चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस 2C है, ठीक है। तो इस बेसिस पे इन दोनों को इक्वेट करो, 4q ठीक है, q इज इक्वल टू कैपिटल, मतलब ये हुआ कि फाइनली चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू प्लस क्यू मतलब 2q और इधर q, राइट। तो फाइनल चार्ज निकाल लिया, फाइनल पोटेंशियल दोनों का किसी एक का निकाल लो, q/c, दैट इज फाइनल पोटेंशियल। अब रही बात हीट की, तो हम क्या करते हैं इनिशियल एनर्जी निकालते हैं, फॉर्मूला है q²/2c, इस पर 2q चार्ज था प्लस ठीक है, क्या हो जाएगा इट इज 9q²/4c और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो इसके लिए q²/2 और इसके लिए 2q²/3/2 q²/c फाइनल एनर्जी। आप देख सकते हो फाइनल एनर्जी कम है इनिशियल एनर्जी से, मतलब जो डिफरेंस है उतनी एनर्जी का लॉस हुआ है, जो हीट है दैट इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, डिफरेंस ले लो राइट, क्या मिलेगा हमें
थ्री क्यू स्क्वायर बाय फोर सी, तो इतनी हीट जनरेट होगी। और हीट जनरेट क्यों हुए? चार्ज के फ्लो के कारण। चार्ज फ्लो करेगा तो हीट जनरेट होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझना। चार्ज स्फीयर है, रेडियस आर, इस पर चार्ज है क्यू, ठीक है। दूसरा स्फीयर है बी, रेडियस टू आर, और तीसरा है सी, रेडियस थ्री आर। ध्यान से समझना, तीनों कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस दिए है, ये दोनों न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं दिया है, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। सबसे पहले हमने ए और बी को टच किया, ठीक है, ए एंड बी आर टच्ड, टच करके उनको अलग कर दिया, या टच करने के बजाय आप कंडक्टिंग वायर से भी जोड़ सकते, ठीक है। इसके बाद आफ्टर दैट A इज टच्ड विथ C और फिर उनको सेपरेट कर दिया। पहले A B को टच करा के अलग कर दिया या वायर से जोड़ दिया, जैसा भी करो, फिर A को वहां से हटा लो, फिर A को C के साथ टच करा के अलग कर दिया, तो फाइनली A B और C तीनों पर कितना कितना चार्ज होगा ये बताना है। फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर्स को टच करोगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और फाइनली हाँ ए पे क्यू बाई टू, बी पे क्यू बाई टू, सी पे क्यू। चलो देखते हैं अभी, अगर दोनों पे क्यू बाई टू हो जाएगा तो इस पे कुछ चार्ज नहीं बचेगा, जीरो हो जाएगा। चलो देखते हैं, सबसे पहली बात कि अगर आप दो कंडक्टर्स को कनेक्ट कर रहे हो तो दोनों पोटेंशियल सेम होना चाहिए फाइनली, ठीक है, उसके हिसाब से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब याद करो, ठीक है, कुछ क्लासेस पहले मैंने बताया था कि दो कंडक्टर्स को अगर आप कनेक्ट करते हो, दो कंडक्टिंग स्फीयर्स, तो फाइनली दोनों का जो चार्ज होगा, फाइनल चार्ज दैट इज प्रोपोर्शनल टू देयर रेडियस, और सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस की, ये मैंने बताया था। फाइनल चार्ज रेडियस के प्रोपोर्शनेट है, ठीक है, तो समझना। पहले ए और बी को टच किया तो चार्ज की शेयरिंग होगी, फाइनल चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो इसकी रेडियस डबल है तो इस पे इससे डबल चार्ज होना चाहिए। टोटल चार्ज क्यू है तो इसके तीन हिस्से करो, दो हिस्से इसके पास होना चाहिए और एक हिस्सा इसके पास, मतलब फाइनली इस पे चार्ज होगा क्यू बाय थ्री और इस पर टू क्यू बाय। प्रूव भी कर सकते हैं हम, मान लो फाइनल चार्ज इसका, इसने इसको स्मॉल क्यू चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा सी क्यू बाय टू आर, और उसका पोटेंशियल क्या बचेगा, सी क्यू माइनस क्यू बाय आर। अब सॉल्व करो, यही मिल जाएगा। आप सीधी सी बात याद रखो, चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो जितना बड़ा है स्फीयर उतना उसका चार्ज फाइनल उतना ज्यादा होगा। तो ये ए और बी हो गए। अब आपने ए और सी को टच करा है, ए पर अभी कितना बचा है क्यू बाय थ्री, और सी पर कोई चार्ज नहीं बट रेडियस थ्री टाइम्स। अब टच कराओगे तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, इसका चार्ज थ्री टाइम्स होना चाहिए, इस टोटल चार्ज क्यू बाय थ्री है, ठीक है, इस पर थ्री टाइम्स चार्ज होना चाहिए, तो चार्ज के चार हिस्से करने होंगे, तीन हिस्से इसके पास आएंगे और एक हिस्सा इसके पास, फोर पार्ट्स अगर किया राइट, तो उस बेसिस पर इस पर तीन हिस्से और इस पर एक हिस्सा, मतलब ये हो जाएगा थ्री बाय फोर टाइम्स क्यू बाय थ्री, दैट इज क्यू बाय फोर चार्ज इस पर आएगा सी पर, और इस पर क्यू बाय
तो फाइनल स्टेटमेंट ए पर चार्ज होगा q बाय 12, बी पर होगा 2q बाय 3 और सी पर होगा q बाय 4, ठीक है।